सत श्रीकाल जी, तुसी वेख रहे हो चैनल शान पंजाबी मान पंजाब दा। मैं तरनदीप सिंह। खबर मुंबई तो सामने आ रही है, जिथे इनकम टैक्स ते जीएसटी दे विभाग दे अधिकारियां ने एक मुंबई दे कारोबार दे घर दे विच छापा मारिया। छापे दौरान करोड़ां रुपए की बरामदी हासिल हुई है। तुहानू दस दिए 10 करोड़ के करीब नकदी हासिल हुई है, जिस तों बाद 19 किलो के करीब सोना चांदी बरामद होया है। इस अधिकारी के घर के दफ्तर में छापा मारा गया। दफ्तर विचों सोने दी इट्टां कंध विच चिणियां मिलियां हन। नाल ही फर्श के नीचे गोदाम बनाया, जिस विचों नकदी बरामद हुई है, जो चिट्टे कपड़े में लपेट के लुको दी गई सी। जिस तों बाद अधिकारियों ने पूरी जांच की। जांच दौरान 10 करोड़ के करीब नकदी मिली है, 19 किलो के करीब चांदी मिली है, जिस तों बाद इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी फिलहाल जांच कर रहे हैं। मुंबई में एक कारोबारी के घर में छापेमारी में करोड़ों रुपए देख के आमदन कर विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए। उस कारोबारी ने दफ्तर दी कंधां विच 10 करोड़ के करीब नकदी लुको के रखी हुई सी अते 19 किलो दीआं इट्टां सपाईआं होईआं सन। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को इन्नी वड्डी नकदी गिणन विच घट्टो घट 7 घंटे लगे हैं। दरअसल महाराष्ट्र GST विभाग को मुंबई के जेवरी बाजार में रहने वाले एक सराफा व्यापारी चमुंडा की जायदाद में अचानक उछाल आने की पहला ही जानकारी मिली। वित्तीय साल 2019-20 इस कारोबारी का टर्नओवर 22.63 लाख रुपया से अगले ही साल वित्तीय साल 2022 इसका वाधा 652 करोड़ रुपया हो गया। इस तो बाद हुण इसका वाधा 1764 करोड़ तक पहुँच गया है। इस तो बाद महाराष्ट्र GST टीम के अधिकारियों ने 16 अप्रैल में जेवरी बाजार स्थित कारोबार के टिकाने से छापा मारिया। उदों ही अधिकारियों को पता लगा कि व्यापारियों ने अपने कारोबारी को लैके GST विभाग को हनेरे में रखा हुआ है। छापेमारी दौरान कारोबारी दफ्तर दी कंधां विचों 10 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है, 19 किलो के करीब चांदी और सोने बरामद होया है। जिस थान से यह छापे मारे गए सन, उसके मालिक ने इस बारे कोई भी जानकारी होने तो साफ इनकार कर दिता है। इस तो बाद GST विभाग ने दफ्तर को सील कर दिता, आमदन कर विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। 20 अप्रैल में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी उत्थे पहुंचे ते नकदी की गिणती शुरू कर दी। इन्नी नकदी गिणन विच करीब 7 घंटे लगे हैं। इस दौरान कारोबारी ने गिरफ्तारी तो बचने लिए अदालत में अगाऊ जमानत लिए पटीशन दायर कर दी। इस दे नाल ही आमदन कर विभाग के अधिकारी ने इस दौलत के सौर का पता लगाना शुरू कर दिता। महाराष्ट्र GST टीम भी अपने पद्धर के मामले की जांच कर रही है।